नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा की गई और नगर से संबंधित शिकायतों और समस्याओं पर निर्देशित किया गया। लोक निर्माण विभाग चंबा के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि वह ब्लॉक रोड और गोल्डी रोड में सड़क की तुरंत मरम्मत कराने हेतु अपने विभाग से तुरंत कार्रवाई कराए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने नारदाना को खोले और कार्बन स्कूल के पास क्रैश बैरियर 15 दिनों के भीतर भीतर लगवाए। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह रोड पर जो पुलिया क्षतिग्रस्त है उसकी तुरंत मरम्मत कराएं। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो उनका विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। जल संस्थान के अधिकारी को पालिका अध्यक्ष द्वारा फटकार लगाई गई थी, वो पालिका के बिना अनुमति के ही नगर में सड़कों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। पालिका के सदस्यों द्वारा इस पर रोष व्यक्त किया गया है और इसकी संपूर्ण जांच कराने हेतु पेयजल मंत्री तथा सचिव पेयजल को पत्र भेजा जाएगा। उधर पालिका द्वारा 30 लाख का नोटिस भी जल संस्थान को सड़कों की क्षति के एवज में भेज दिया गया है। पुलिस विभाग के थानाध्यक्ष पंकज देवरानी ने नगर में सीसीटीवी में आए व्यवधान के बाबत में बताया, जिसे शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा और नगर की ट्रैफिक व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। उधर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाई गई जिला निगरानी अनुश्रवण समिति कोविड-19 की ओर से पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ साथ 6 अन्य कर्मचारियों को भी उनके कोविड संक्रमण काल में किए गए कार्यों के सापेक्ष सम्मानित किया गया।